हेलो फ्रेंड्स, कालका आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कालका आईएएस एकेडमी आपके लिए एक नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें अनेक प्रकार के आर्टिकल्स ऑडियो फॉर्म में आपके सामने होंगे, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। एक वीक में आपको 3 आर्टिकल दिए जाएंगे और सप्ताह के एंड में, मतलब सैटरडे को, उन्हीं आर्टिकल्स का रैपिड सेशन राउंड होगा, जिसमें आपको क्विकली आंसर देना होगा। इसलिए इन आर्टिकल्स को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 66वें राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का संक्षिप्त इतिहास। इस वर्ष 66वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। वैसे तो इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल अप्रैल में की जाती है और वितरण समारोह 3 मई को होता था, मगर इस बार लोकसभा चुनाव की वजह से इसमें देरी हुई थी। शास्त्री भवन के पीआईवी कॉन्फ्रेंस हॉल में अलग अलग कैटेगरी के तहत अवार्ड का ऐलान किया गया। पुरस्कारों की घोषणा फीचर फिल्म के प्रमुख ज्यूरी राहुल रावल ने की। इस साल 419 फिल्मों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। नेशनल फिल्म अवार्ड 31 श्रेणी में दिया जाता है। हालांकि फिल्म अनुकूल राज्य के लिए एक पुरस्कार इस वर्ष शामिल किया गया है। इस साल यह पुरस्कार उत्तराखंड ने जीता। बेस्ट एक्टर अवार्ड आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल। आयुष्मान खुराना बधाई हो के लिए और विक्की कौशल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश तेलुगु फिल्म महानती। बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जीता। बेस्ट इंटरटेनमेंट फिल्म बधाई हो। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता स्वानंद किरकिरे मराठी फिल्म चुंबक के लिए। बेस्ट कोरियोग्राफर पद्मावत के गाने घूमर के लिए कृति महेश और ज्योति तोमर ने जीता। बेस्ट फिल्म अंधाधुन। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फिल्म पद्मावत। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन फिल्म उरी विश्वजीत दीपक चटर्जी। बेस्ट ऑडियोग्राफी साउंड डिजाइनर फिल्म उरी। बेस्ट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह फिल्म पद्मावत के लिए जीता। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी बधाई हो के लिए जीता। बेस्ट मेकअप रंजीत। सामाजिक मुद्दों पर बेस्ट फिल्म पैडमैन। बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर फिल्म उरी के लिए जीता। बेस्ट स्क्रीन प्ले अंधाधुन श्रीराम राघवन अरिजीत विश्वास योगेश चंद्रेकर हेमंत राव और पूजा लाड़ा सूरती। तो ये था 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का विवरण। और अब जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हिस्ट्री कि ये क्यों दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में फिल्मों के क्षेत्रों में दिया जाने वाला काफ़ी पुराना पुरस्कार है। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है क्या। देश स्वतंत्र होने के पश्चात कला, संस्कृति, सिनेमा और साहित्य आदि को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले को पुरस्कृत करने की आवश्यकता हुई, जिनके अंतर्गत विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। उन्हीं समितियों में से एक इकवारी समिति भी थी, जो सन 1949 में गठित की गई थी। इस समिति ने शिक्षा, संस्कृति के मूल्यों को लेकर बनी सर्वोत्तम फिल्मों को प्रतिवर्ष राजकीय पुरस्कार से पुरस्कृत करने की सिफारिश की थी, जिससे उच्च तकनीक की अच्छी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन मिल सके। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों को साकार करने के लिए सन 1953 में प्रदर्शित फिल्मों का मूल्यांकन करते हुए सन 1954 में वर्ष 1953 की सर्वोत्तम फिल्मों को पुरस्कार दिए गए। इस तरह से देश में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 में हुई थी। उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सूचना प्रसारण मंत्री बी.वी. केसकर थे। गौरतलब है कि इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को तब राजकीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता था। अब प्रथम फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रथम स्वर्ण पदक
मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था और सर्वश्रेष्ठ मृत चित्र का स्वर्ण पदक महाबलीपुरम को दिया गया था। इन फिल्मों के अलावा इस प्रथम समारोह में हिंदी फिल्म दो बीघा जमीन के साथ बांग्ला फीचर फिल्म भगवान श्री कृष्ण चैतन्य और बच्चों की फिल्म खेला घर को और दो चित्र होली हिमालयाज और ट्री ऑफ वेल्थ को भी योग्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था। तो ये था संक्षिप्त रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का इतिहास। अगली क्लास में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।